कांग्रेस से उम्मीदवारी मिलने के बाद बन्ना गुप्ता पार्टी का सिंबल लेकर रांची से जमशेदपुर पहुंचे और सबसे पहले साक्षी शिव मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया और कहा कि कांग्रेस ने जो विश्वास दिखाया है उस पर वो खड़े उतरेंगे। पश्चिम में कोई चुनौती वगैरह नहीं है, पश्चिम में यदि चुनौती है तो जो प्रत्याशी भाजपा ने दिया है उनसे ही भाजपा को चुनौती है और उन्होंने लगातार चुनौती, चेतावनी और एड़ी चोटी का दम भी लगाया भाजपा का नुकसान करने के लिए। जब डुल्लू महतो जी भाजपा से धनबाद के प्रत्याशी हुए तो इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी के उस लोकसभा के प्रत्याशी को हराने के लिए। इतने में भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये चले गए चतरा। कालीचरण बाबू तो बहुत शरीफ आदमी है, सीधे आदमी है, उनको भी हराने चले गए। तो इनको भाजपा से, इनको कहीं ना कहीं भाजपा से अंदरूनी नफरत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, कांग्रेस से उम्मीदवारी मिलने के बाद बन्ना गुप्ता पार्टी का सिंबल लेकर रांची से जमशेदपुर पहुंचे, लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि पार्टी ने उन पर एक बार फिर से विश्वास दिलाया है, तो ऐसे में लोगों का क्या उत्साह दिख रहा है? जी निश्चित रूप में बता दूं कि बन्ना गुप्ता को टिकट मिलने के बाद में उनके जो समर्थक है, जो लोग, उनपे काफी खुशी देखा जा रहा है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार बन्ना गुप्ता जीतेंगे। हालांकि जैसे ही उनको टिकट मिला वो सीधे सबसे पहले बन्ना गुप्ता जी मंदिर गए और भगवान से आशीर्वाद लिए और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार आने वाले समय में बनेगी और जनता फिर हमको विश्वास दिलाया है और टिकट जीत हमारे सुनिश्चित है। और वहीं सरजू राय पर भी हमला उन्होंने कहा है, साथ उन्होंने कहा है कि नहीं चलेगा, लोगों को ठगने वाले नेता नहीं चलेंगे, ये तमाम ऐसी बातें कही है और जनता इस बार मुझको आशीर्वाद दे रहा है, बड़ी संख्या में हमने जीत हासिल करेंगे, ये तमाम बातें ऐसी कही है। हालांकि चुनाव प्रचार में वो लग गए हैं और आज से और कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी देखा जा रहा है। जी